Thank you.
उनका सामन क्या करे ओ जिनके बैल ने भी सामन उन्हें सुहावना जिनका हो छह रंग गोरस गोरस गोरिया और पान तुरंग पिल कहते थे जो मायर पहली शादी करते हैं 25 साल की उम्र होती है उसका नाम होता है इश्रद। अब इश्रद की शादी करके घर पे ले आता है और 25 साल और होते हैं मायर 50 साल की उम्र में होते हैं बैठो पुस्तक रानी इश्रद के कोई आसमान नहीं होती। अब महाराज दूसरी शादी कराते हैं उसका नाम होता है नौना दे। अब नौना दे की शादी करके घर पे ले आते हैं 15 साल की जाते हैं महाराज उलाल की तरफ से भाई बैठो पांच मिनट दूध भी हो गए खुले अब महाराज 65 साल की उम्र में होता है जब तक रानी सिराने के घर से और नौना देंगे घर से कोई आसमान होती उलाल की तरफ से नाम भी होता है बुढ़ापा है आंखों से कम दिख रहा है वह गुरु गोरखनाथ जिसके 360 चेले साथ रहा करते एक दिन श्यालकोट के बाजों में आकर डेरे करती है महाराज संपत्ति नौना देख सिराने जाके जमात की दावत करते हैं और वो दावत खा के बड़े खुश होते हैं और जिसे दुआ करते हैं क्या आपकी बेगम रानी इश्रद के घर से लड़का पूर्ण मंजिल लेगा वाह वाह। लड़का पूर्ण मंजिल के लिए हर किस्म के इंतजाम किए जाते हैं दादा सिंह पालने के लिए पंडित पढ़ाने के लिए हर किस्म के इंतजाम भोरे किए जाते हैं अब उसके 12 साल और 3 महीने के रवाड़े मिला के 11 साल और 3 महीने के रवाड़े मिला के और 12 साल पूरे करते हैं। अब महाराज दरबार लगाते हैं तो 360 जगह से नाई और ब्राह्मण लड़के पूर्ण के रिश्ते के लिए आते हैं। अब महाराज शक्तिपति अपने हलकारे को भेजते हैं और पूर्ण को से बाहर निकलवा जाते हैं और यहाँ इससे किस्सा पूर्ण भगत का सुनाया जाता है। प्लीज कमिंग ऐसा करो आज हमारे लड़के के 12 साल पूरे हो गए तो आप ऐसा करो उसको ये कहो जाके कि तुम्हारे पिता याद करते पहले तक की सलामी और दूसरी 360 जगह से लाई और पूर्णमल को बुला के लाओ उसको बुला के बराबर अभी यही छा वालेकुम सलाम क्यों भाई आप पलकारे हो क्या मसला है मैं जो कर वो कर सही है तो तुम तो प्रतिमा जमानी है अच्छा बड़ा कुछ रहो बोले दिल समय जाना हो गया हल्का महासम अपने पिता आप पिताजी सलामकुम हाँ वालेकुम सलाम आधा वर्ष चल सारा बन क्या हुक्म है पता है आपको क्या बात आपका दिमाग सेंटर में है आप कुछ करना क्या आप सेंटर में ऐसे है कुछ करना क्या हो पहले जो हुक्म ये है कि आप तख्त की सलामी दो ये तो मेरा फर्ज था मैं दरबार में हाजिर होते कर सकूँ अच्छा सलामी दे दी और दूसरा हुक्म क्या है दूसरा हुक्म ये है 360 जगह से नाई और ब्राह्मण नारियल टीके लेके आए कहाँ का रिश्ता मंजूर कर रिश्ता हाँ किस बला का नाम है रिश्ता नहीं समझते हमारी समझ में नहीं आया रिश्ता किसको कहते हैं और रिश्ता कहते हैं बिल बानी ओ बानी एक समझ गया जो कुमारा का अगर बासना फिर की कहना कुमार मंडी में काम और ओ मैं तेरे को सिंधी जुबान में समझा क्या हमारी उसको कहते हैं शादी उसको कहते हैं चाल अब समझ गया चाल का दरख्त होता है उसको पी लगती है नहीं वो चाल से समाज में पच के चाल खाती महाराज
ये शादी किस लिए करानी पड़ती है? शादी इसलिए करानी पड़ती है। किस लिए? कि मेरे अब्बा चाचा ने शादी करवाई। अच्छा, क्योंकि वो पटवारी पैदा हुआ और मैंने शादी कराई, तू पैदा होया। तू अगर शादी करवाओगे तेरे को बोनजोड़ पैदा हो। अच्छा, मारे को बोनजोड़ होगा और चौचौन होगा। महाराज, क्या आपका नाम और शंख जिला है? शादी नाम और शंख लेकर पड़ती है तो आप जरूर। तो आपका नाम निशान चल रहा है, मेरे क्या करोगे? नहीं तो अगर तुम, अगर मैं मर गया, तू मर गया, तो फिर पीछे कौन राम पाठ से कौन कमाएगा? महाराज, मैं शादी नहीं करता। नहीं, आपको शादी करनी पड़ेगी। ये और अच्छी नहीं होती। क्यों? जोर से ये और के... हाँ, आज शादी का नाम थे। हाँ। जो बूढ़ा आदमी बैठा थे, पिछले भी बुढ़ा नाम ले गए, 18 डाक मार गए। मैं शादी नहीं कराऊंगा। ये औरत अच्छी नहीं होती। अरे, ये औरत सारी अच्छी थी, क्या बोलने की। ये चार औरतें हैं। हाँ, मेरी बेगम, मेरी हमशीरा, तेरी बेगम। ओ ब्याह की टाल पिताजी, ओ ब्याह की टाल पिताजी। क्यों भाई? पिताजी, हाँ, ब्याह की टाल पिताजी, हो ब्याह की टाल पिताजी। और ये भले मर्द कह दाग लगा दे, भले मर्द कह दाग लगा दे, नौकरी के पीर बपा दे, भले मर्द कह दाग लगा दे, नौचे घर के पीर बपा दे, तुट मिला दे गर्द मर्द का, और अपने काल पिताजी। और हमारी हौसला अफजाई के लिए चौधरी फतेहदीन ने क्या सुबह में इनाम
मेरा पति बदला शीश तार का पर मैं लागू न लवा नार का ये पति मार के छतियों वाले बड़ी छिनाल पिताजी और बैठी टाल पिताजी मैंने कद ब्याह करवाने की ओटी और शादी में तकलीफ हो मोटी पर दो रोटी पर रहना चाहिए लते चाल पिताजी और ब्याह की टाल पिताजी। अच्छा मेरा बेशक दर्जे शीश तार का महाराज ये भले मर्द का दाग लगा दें ये भले मर्द का दाग लगा दें ना अच्छे घर की बीर बफा दे और तुरंत मिला दे गर्द मर्द का और काल पिताजी और बाकी काल पिताजी क्या मेरे गुरु बनवारी पाक है मैंने फैज उठाया गुरु बना के कोई नुगरा आके छले गड़े ना बिल्कुल दाल पिताजी और बाकी काल पिताजी। मैं आपके राजपाट की संभाल करूंगा आपकी खिदमत करूंगा और शादी नहीं करूंगा। शादी नहीं किराएगा जोर से छिड़कती बिल्कुल नहीं। अच्छा तो हमारा तीसरा हुक्म है। हाँ तीसरा हुक्म है ये है कि तुम अपनी माताओं के दर्शन करो। क्या मेरे बहुत माता है? अरे हमने तो चार चार बैठा रखी। चार चार? हाँ तो एक तेरी वालदा होंगी एक तेरी मिशीरा होगी। लाहौल में और अरे एक तेरी माता नोरा दे ठीक है और एक तेरी माता इंछरा दे। इंछरा दे माता जन्म की है और नोरा के माता फरक फरक की। अच्छा हो बात समझ गया मैं। यानी कि इच्छा जी के गर्भ से मैंने जन्म लिया है और नोरा जी है वो मेरी मौसी माता है। तो मुझे पहले किसके पास जाना चाहिए? पहले मौसी माता के पास जाना चाहिए। हाँ ठीक है इच्छा जी के गर्भ से मैंने जन्म लिया है उसकी आत्मा ठंडी है और उसकी जरा गर्मा गर्म है। ठीक है मैं ये बात आपसे मानता हूँ। जाओ फटाफट जाओ। अब रानी को ये मालूम होता है लड़का पूर्णमल असीम और खसूस था। अब रानी हार सिंगार बनाकर वो जो डिब्बे फेंकती है लड़के पूर्णमल के इंतजार में। अब वो लड़का पूर्णमल जैसा है वो बांधी उसे मिलती है और बांधी से बात करता है। बांधी बात यह है अरे सलाम आप कौन हो? मैं नौकर हूँ मेरी माता की। माशाल्लाह लिबास तो अच्छा है आपका। एक काम करें महल में जाएं और रानी नौना दे के कहें अगर आपका लड़का पूर्णमल आपके मिलने के लिए आया हुआ है। चलो धोखी से आए हो ये कह रहा कि धोखी से आए हो। बराबर बोल गया चलो मेरा लड़का किधर आया? लड़का पूर्णमल आपके दर्शन के लिए जो डिब्बे है। अच्छा तो मैं अभी जाती हूँ बैठ जाओ। अब वो हार श्रृंगार करके और थाल उठा के और जाती है क्या करती है आरो भाई नोरा दे क्या दीने अच्छा इतने जाओ सो आप अरे बड़ी जल्दी करो अलग फर्क हो गई बोले सुन के पूरण मल की बोले सुन के पूरण मल की बोले
पूरण मल तेरे पिछन की अरे माँ ना अरे न्यू कुछ बोली अरे शर्म कर कुछ क्यों तेरी मेरी तो जोड़ी इतनी तू मेरी माँ है और मैं तेरा बेटा हूँ बेटा तू होगा जिसने तुझे जानना मेरा तो लगता नहीं तू तलाक की क्यों बोला मत माता के ये नहीं जरूरत थी पैसे बनने की तेरी मेरी जोड़ी जिसी कोसे में बोल दिन तुम निशु आता जोड़ने नहीं मतलब नाता दे
एक बार बेटा का मेरे सिर पर फेर दे। ये तो मेरे मुंह से बनती है कौन है? तेरी मेरी तो एक जोड़ी सर। हाय हाय। अरे मेरे बाप का जोड़ी मिला ना? बाप से तेरे पे मिली है कोनी बाप तो तेरा चूतिया सर। हाँ मेरी बना मानती जान मैं घर के दीवार घर में घेरू तू माता कुछ हम कराया कर क्यों ये लोग बात क्या कहेंगे कुछ नहीं है तो फिर कहेंगे जब दीवार बाहर जाएगी क्या ठीक है कितना बना जोड़ियां बर्फ में बहुत अच्छे दोनों देख सकते ओ पूरन की शान ओ पूरन मल तेरी शान देख के घूंघट कर लिया काना मेरी तो मैं बेटा तू माता से गरीब तक नहीं बोले पूर्ण माता मत कहिए तेरे मुंह से बने सीना से बाता ने सुन सुन के मेरे मेरा तुम्हें बैद हकीम डॉक्टर तुम्हें घर लू जाना मैं बेटा तू माता सके किब तक नहीं पहचाना क्यों पूर्ण माता मच के ये तेरे मुंह से बनती नाथ है तेरी माता ने सुन सुन के मेरे काल जे में गाथ है तेरा संघपति ने नंबर दिखा मेरे से कितनी नवास है मेरा तुम्हें दादा की डॉक्टर तुम्हें दारू से एक काम करने तू मांगे से बीमार खटाई बाप रूप में खाना बीमार आदमी खटाई खाओगा परहेज टूट कर मरेगा तेरा माँ बेटे का परहेज भी बोले तू जाने है के मैं जानू न जाने और न पटे तू तोरा पानी छट ओ मेरी रुत पे जो बन चढ़ी जवानी क्यों कर दिल ने डट उस मालिक के घर ना होगा सके मुले ओड़े न्यू कह दू मेरी भरी जवानी पलम बुंदा जाना करे उस फल मिल जा मालिक ने और तू जाने के मैं जानू ना जान और ना पट मेरी रुख पे जो पंचड़ी जवानी कुकर दिल ने डाल उड़े न्यू कह दू मेरी बड़ी जवानी बल बुढ़ा जाना अच्छा पति मिले मेरा तो पति मिला ही मैंने तू मिल जाएगा पागल तो तू हो गया दीवार का दिल तोड़े तने जाके सोची बस ठीक सोची मजती सची तुल क्यों डोपे बचपन बोले तेरे आमने की उमंग बतेरी खुशी पहले की बता लिए मैं आ गया बोले जिंदगी पर ओ जाते मारे दर बोले मेरे जैसा मैं चुके हो पूर्ण तुम्हें नहीं बचा ओ तेरी भोली सूरत मेरे मन भागी और क्यों के ज्यादा हरिओ
Come on.
पान खा दे चावल फिर मुंह में बाकी कुछ नहीं चलो ऐसा ना दो दिन ऐसा गंजे दो दिन लड़की दीवार घर में ये रिचिया थोड़ी शर्म से क्यों पूरण मलिया बैठ बिलंग पे खुशी होई तेरे आने की पाया की सोहान जोग तने किसी पूरा जाने भर गए
तू जाने ओ कई रोज करते पूछे पूरे तेरी बात मेरे अज मैं आया तेरे जुमला वाले फिर लिया काट महल में ओ यारे शमे आली डोर बिछी खलवाजू काट में महल में अरे मेरे कामना एक पिलन चाहे तिल दोर काट महल में मैं तो बिहार चली जाऊं मैं तो बिहार चली जाऊं
Let's go.
ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਲੇ ਤੁਨੇ ਬੁਲਵਾ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ ਫੁੱਤਰੀ ਬਣ ਜਾਊਂਗੀ ਤੂੰ ਦੇਖ ਚੂੜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਨ ਲੂੰਗੀ ਪਰ ਖਿਆਲ ਤੇ ਭਰਾਈਏ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਛਾ ਮਨਿਆ ਰੇ ਤਾਰਾ ਗਾਟਣੀ ਦੇ ਚੜ ਮੈਂ ਆਣ ਟਿਕਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬੈਗ